हेलो दोस्तों, वेलकम बैक भाई करम जी के। दोस्तों एक नई वीडियो में फिर आपका स्वागत है, वेलकम है। एक हमारे भाई ने कमेंट्स किया था कि भाई जो है एक ही वीडियो जो है जिसे कि घुमा फिरा के बार बार ना डाला जाए, तो हमने सोचा भैया एक नई वीडियो अब धड़ाके से देते रहूँगा। हर बार जो वीडियो पड़ेगी, अब जो भी वीडियो अब हर बार पड़ेगी वो सबसे नई से नई ही होने वाली है, ठीक। तो अब यहाँ पर TVS के रेडियन डिस्क ब्रेक की वीडियो पड़ रही है, आप देख सकते हो डिस्क ब्रेक है, 240 mm हैवी डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद इसमें एक नया फीचर है जो आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका हम जो है आपको कंसोल भी दिखाएंगे, लाइट जलाकर भी दिखाएंगे, इंडिकेटर का भी लाइट टेस्ट करेंगे, वो भी ऑन रोड, प्राइस भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ट्यूबलेस टायर आपको मिल रहा है और डिस्क ब्रेक यहाँ पर मिल रहा है, आयल डंपर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, ठीक। और टायर का साइज़ है 2/75/18, ठीक। और स्टार सिटी प्लस की जो आप वीडियो देखें उसमें है 2/75/17 का, यानी कि इससे 1 इंच कम टायर है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा हैवी टायर मिलता है, जैसे कि 18 इंच का स्प्लेंडर हो गया, हीरो की बाइकों में मिलता है 18 इंच का है। अगर आप हैवी एलॉय व्हील में चाहते हैं टायर में, तो आपके लिए ये बाइक सबसे बेस्ट है, ठीक। तो डिस्क ब्रेक हो गया 8100 यहाँ पर जो है, 2/75/18 का 8018 जिसे स्प्लेंडर में मिलता है, उसी का टायर 18 इंच का बड़ी टायर है, ठीक है। अब वो सिस्टम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो खास फीचर है, तो यहाँ पर हम पीछे वाली ब्रेक जैसा कि ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आगे की जो ब्रेक है ये काम कर रही है, इस तरीके देख सकते हैं आप। यहाँ पर पीछे वाली अगर आप मारेंगे ब्रेक, तो आगे वाली जो डिस्क ब्रेक है वो भी कम भी ब्रेकिंग सिस्टम है, साथ में ये भी लगेगी दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर सामने से देख लीजिए, तो 35 वाट का हैलोजन बल्ब आपको मिल रहा है, और उसके बाद पायलट लाइट यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है दोस्तों। और इंडिकेटर आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से जलता है, बल्ब वाले हैं और ट्रांसपेरेंट ग्लास है आप देख सकते हैं, और छोटा बल्ब यहाँ पर दिया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन कलर काफ़ी ब्राइट है इस तरीके से, काफ़ी सुपर इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास मिल रहा है आपको, यानी कि एक कांच वाला है, ये वाइट कलर में है, लेकिन स्प्लेंडर में आपको पूरा येलो मिलता है, इसलिए काफ़ी अच्छी नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी मस्त क्रोम की डिज़ाइन TVS के 3D में यहाँ पर लोगो आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा और मडगार्ड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि हाईवे है, काफ़ी नीचे तक है, तो धूल मिट्टी इंजन तक नहीं जाएगा दोस्तों। अब हम कंसोल आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर FI लाइट और यहाँ पर साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी दिया गया है, जैसा कि हम स्टैंड लगा रहे हैं देख ले रहे हैं, तो स्टैंड हमने लगा दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए ये साइड स्टैंड का इंडिकेटर जल गया। अब हीरो की स्प्लेंडर प्लस भी फेल है दोस्तों इसके आगे। अब फीचर में इकोनॉमी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर पावर की लाइट जलेगी, स्पीडोमीटर एनालॉग, पेट्रोल भी एनालॉग मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं इंडिकेटर हमने दाया जलाया है तो दाया, अब बाया में ने जलाया तो यहाँ पर बाया इंडिकेटर बता रहा है न्यूट्रल, और यहाँ पर पासिंग सिस्टम मिल जा रही है आपको, ठीक। और यहाँ पर हॉर्स का लोगो मिल रहा है जो कि क्रोम के डिज़ाइनिंग में है दोस्तों। यहाँ पर आपकी चाबी लगी हुई है, इस तरीके से आपको ये फीचर्स मिलता है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पासिंग सिस्टम आपको हाई लो बीन टर्न सिग्नल, और यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न टेस्ट कर लीजिए तो हॉर्न काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट को ऑन ऑफ करने का सिस्टम यहाँ पर सेल्फ दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो एल्युमिनियम का आपको यहाँ पर मिल जाता है ब्रेक लीवर, और यहाँ पर क्लच लीवर भी आपको एल्युमिनियम का मिल जा रहा है, क्रोम का जो काफ़ी शार्प दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। आप पीछे आ जाइए, यहाँ पर पीछे देख लीजिए, तो यहाँ पर 3/0/18 का आपको टायर मिल रहा है, वो भी ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, TVS के टायर मिल रहे हैं, ड्रम ब्रेक आपको मिल रही है, 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्सॉर्बर आपको सस्पेंशन मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका साइलेंसर जो है फुल क्रोम का यहाँ पर फिनिशिंग मिला, देख सकते हैं यहाँ पर गार्ड लगाया गया, फुल गार्ड लगाया गया वहाँ से लेकर यहाँ तक, एकदम पूरा पैक है दोस्तों। और काफ़ी मोटा यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर एक होल मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड या बेस मिलता है, साउंड आपको इस बाइक में बेस मिलेगा, गमक की आवाज़ देती है। फाइबर का आपको चेन कवर भी मिल जा रहा है इस बाइक में, और यहाँ पर ड्यूरा लाइफ इंजन मिलता है, रेडियन की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। और सीट आप देखेंगे तो बिल्कुल लेदर की आपको सीट मिल रही है दोस्तों इस बाइक में। टैंक पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टैंक पैड दोनों साइड में मिल जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी टैंक पैड आपको मिल जाएगा जो कि कैप वाला है, ठीक है। TVS की 3D के ब्रांडिंग आपको दोनों साइड में मिल जाएगी। यहाँ पर किक स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट दोनों बाइक है, सेल्फ का मोटर यहाँ लगा है, 110 cc का इंजन है, 1000 ml यानी 1 लीटर इंजन आयल आएगा इस बाइक में। क्रोम की डिजाइनिंग यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी जो कि कार्बोरेटर गार्ड है, और यहाँ पर स्पार्क प्लग दिया गया है दोस्तों। और 110 cc इंजन है, 70+ एवरेज भी आपको इस बाइक में मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इसका जो माइलेज है 70+ आपको मिल जाएगा, 4 गियर आपको इस बाइक में मिलते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त बाइक है। और पावर पिकअप सारी चीज़ें इसमें बेस्ट है। यहाँ पर कैरियर देखेंगे तो स्प्लेंडर से भी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको पैड मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर में आपको
पैड नहीं मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इंडिकेटर देख सकते हैं, चारों इंडिकेटर आपको दोस्तों इसमें बल्ब पर ही मिल जाएंगे। यहाँ पर टेल लाइट भी आपको बल्ब पर मिलती है, टीवीएस की ब्रांडिंग और टेल लाइट काफ़ी अंदर है। स्प्लेंडर की बाहर है, जो हिलती है वो टूटने का खतरा उसमें ज़्यादा है। नंबर प्लेट यहाँ पर लगेगी और यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से बाइक दिख रही है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइबर का चेन कवर और इंजन आप देख लीजिए, तो यहाँ पर टीवीएस की ब्रांडिंग, चार गियर आपको इस बाइक में मिलता है और इंजन आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ये बाइक दिखती है दोस्तों। तो अब इसकी हमारे रोड प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस बाइक की अगर हमारे रोड प्राइस की बात करते हैं तो ये 77,126 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 80,424 रुपये में भी ऑन रोड प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मैं प्राइस बता रहा हूँ वो 77,126 है, लेकिन कहीं कहीं 80,424 भी है। तो वीडियो अगर पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी।